आत्मार्थी चिंतन धारा 12। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज सोशल मीडिया पर मदर्स डे पर माँ के बारे में काफी कुछ आ रहा है। हर कोई आज माँ के बारे में बात करना चाह रहा है, हर कोई मदर्स डे मना रहा है, लेकिन वास्तव में मदर्स डे पर क्या भाव आने चाहिए और वास्तव में एक माँ का स्वरूप क्या होता है, इन सब बातों को लेकर कुछ विचार बने जिनको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज इस मदर्स डे पर सब माँ को याद कर रहे हैं, पर अहो धन्य है वे जीव जिनको माँ को याद करते समय जिनवाणी माँ की याद आई है। आज सब माँ के बने भोजन की चर्चा कर रहे हैं, पर धन्य है वे जीव जिनको जिनवाणी माँ के द्वारा परोसा गया भोजन जिन वचन याद आते हैं। आज हर कोई माँ को चाहने वाला दिखाई देना दे रहा है, पर धन्य है वे जीव जो जिनवाणी माँ को चाहते हैं। आज सब अपनी माँ को नमस्कार कर रहे हैं, पर धन्य है वे जीव जिनको जिनवाणी माँ को नमस्कार करने का भाव आता है। आज सब मदर्स डे बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन धन्य है वे जीव जिन्हें आज से ज्यादा सुत पंचमी पर्व बनाने का भाव आता है। आज सब माँ के गुणों का बखान कर रहे हैं, पर धन्य है वे जिनको जिनवाणी माँ के प्रचार प्रचार का भाव आता है। आज जहाँ देखो वहाँ माँ की ही चर्चा है, पर धन्य होगा वह दिन जब हर घर में जिनवाणी माँ की चर्चा होगी। आज सब माँ के बारे में पढ़ने में व्यस्त हैं, पर धन्य है वे जीव जिन्हें जिनवाणी माँ को पढ़ने का भाव आता है। आज सबको माँ के बताए रास्ते पर चलने के भाव आ रहे हैं, पर धन्य है वे जीव जिनको जिनवाणी माँ के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का भाव आता है। आज सब माँ के द्वारा किए गए उपकारों को याद कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अहो धन्य है वे जीव जिनको जिनवाणी माँ का उपकार याद आता है, जिन वचन याद आते हैं, जिनवाणी माँ ने जो मार्ग प्रकाशित किया है, दुखों से मुक्ति का उपाय बताया है, ऐसा उपकार शब्दों से कह पाना भी संभव नहीं है। शब्दातीत यह उपकार जिनको याद आए वे जीव धन्य हैं। आज सब माँ का अच्छा बेटा कहलाना चाहते हैं, पर अहो धन्य है वे जीव जिनको अपने आप को जिनवाणी माँ का बेटा कहलवाने में आनंद आता है। अरे इस मदर्स डे पर माँ के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, लेकिन वास्तव में लौकिक में भी माँ के प्रति प्यार दिखाने के लिए केवल एक दिन नहीं, वह तो प्रति समय पूरे साल एक बेटे को रहता ही है। लेकिन अहो वास्तव में वे जीव धन्य हैं जिनको प्रति समय जिनवाणी माँ की याद आती है, जिनको प्रति समय जिन वचन याद आते हैं, जिनको प्रति समय तत्वों की बात ध्यान में आती है। धन्य है वे जीव जो जिनवाणी माँ की बात करते हैं, जिनवाणी माँ के उपकारों का स्मरण करते हैं, जिनवाणी माँ में वर्णित जिनवाणी माँ के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं,
तत्व के स्वरूप को समझते हैं, ऐसे जिनवाणी माँ को याद करते हुए जिनवाणी माँ के बताए मार्ग पर चलें, तभी वास्तव में जीवन की सार्थकता है। अरे वास्तव में तो इस मदर्स डे के ज़्यादा उत्सुक पंचमी पर्व बनाना चाहिए, जिस दिन यह जिनवाणी माँ हमारे हाथों में आई, जिस दिन के कारण आज हम जिनवाणी माँ को पर सुन पा रहे हैं, वास्तव में उस दिन की महिमा आनी चाहिए। वास्तव में तभी इस जीवन की सार्थकता है, तभी इस मनुष्य भव की सार्थकता है। हम सब इस पर विचार करें और जिनवाणी माँ को नमन करते हुए, जिनवाणी माँ को मन वचन काय से नमस्कार करते हुए, उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने अविनाशी सुख को प्राप्त करें, यही मंगल भावना है। आत्मार्थी चिंतन धारा की ऐसी अनेक वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव भी दें और अपनी प्रतिक्रिया देकर हमारा उत्साह वर्धन भी करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों, साधर्मियों, परिजनों में शेयर करके इन विचारों से उनको अवगत कराएं और धर्म प्रभाव नामे सहयोगी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और वीडियो को पाते रहें और आत्मार्थी चिंतन धारा के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझते रहें। फिर अगली ऐसी ही एक और वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।